अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी होस्ट अनीला ख़ान फ्रॉम शाहिन एलिगेंस, और आज आपको सिखाने जा रही हूं पिंक टी, जिसको कश्मीरी चाय भी कहते हैं। और इसमें आप भी जानते होंगे कि हर्ब्स भी डलते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ हर्बल टी। आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के लिहाज से ये टी जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमने 24 कप्स लिए हैं पानी के, और ये ठंडे पानी में आपने ये टी यूज़ करनी है। 3 सर्विंग स्पून्स जो हैं 24 कप्स ऑफ वाटर में आप डालेंगे, और इसके साथ ही आपने कुछ दाने इलायची के ऐड करने हैं। इलायची के बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल, जो कि 12 से 13 हैं। ये कुछ टूटे हुए होते हैं, अंदाजन आप 12-13 फूल जो हैं बादियान के, जिन्हें स्टार फ्लावर इंग्लिश में कहते हैं, ये काफ़ी हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, इसे हम हर्बल टी भी कह सकते हैं। इसमें हम दालचीनी ऐड करेंगे 3-4 स्टिक्स 2 इंचज़ लॉन्ग, और ये टेस्ट बहुत इससे अच्छा आता है। कुछ लोग इसको ग्राइंड करके डालते हैं, यहाँ हमने इसको एज इट इज़ सॉलिड फॉर्म में यूज़ किया है। अब ये तमाम चीज़ें डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे, और मैक्सिमम 1 घंटा मीडियम हीट पे ये पकेगा। जब ये कहवा आधा रह जाएगा तो हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये इसकी हाफ़ क्वांटिटी हो गई है, अब इसको फेंटेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपने पानी 2 या 3 ग्लासेस ऐड करने हैं, वो थोड़ा थोड़ा करना है और उसको साथ साथ फेंटते जाना है, ताकि इससे फिर इसका जो है ना, वो कलर जो है वो, मतलब ये एक इसकी इस रेसिपी में टेक्निक है कि इसको फौरन आपने पूरा पानी इकट्ठे ऐड नहीं करना। जी व्यूअर्स, अब इसमें हमने 2 चुटकियाँ सोडे की ऐड की हैं, उसके साथ ही नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, और साथ साथ इसको लगातार फेंटते जाएं। ये देखिए, अब इसका पहले कलर वाइट था कहवे का, ये जो झाग थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है, और इन द एंड ये जब पिंक एक उसमें इसका आ जाएगा, ब्राउनिश होगा, देन पिंकिश उसमें आ जाएगा, तो आपका कहवा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब पहले से आप जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज है। और साथ साथ आपको बताते चलूँ कि ये कहवा आप फॉर 5-6 डेज ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं। यू कैन ऐड मिल्क, और आप किसी भी वक्त इसको बना सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ 3 कप्स बनाने थे, हमने अपने मुताबिक मिल्क लिया, इसमें अब हम कहवा ऐड करेंगे, और हमारी पिंक टी रेडी। आज से पहले मैं सोचती थी कि ये टी बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरीके से ये आज मैंने बनाना सीखी है, इट इज़ क्वाइट ईजी। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे। इट इज़ वेरी गुड विदाउट फूड कलर। आप देखें कि इसका बिल्कुल पिंक कलर आ गया है, और अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी है।